दोस्तों कई समय से लिटरली ये चीज मैंने यहाँ पे नोट की है कि DSLR और हमारा सिंपल सा 10-9-12 हजार वाला जो स्मार्टफोन होता है उसकी जो कैमरा की जो क्वालिटी होती है उसके बीच में जो इनिशियल एक गैप होता है वो यहाँ पे काफी कम हो गया है। यहाँ पे कल मैं गया था थोड़ा सा घूमने और यहाँ पे आप देख सकते कि मैंने यहाँ पे ऐसी वाली और ऐसी वाली लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स जो है वो सिंपल इसी मेरे ओप्पो के फ़ोन से ली थी जो करीबन 2 साल पुराना है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप अपने स्मार्टफोन से एक अलग ही लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप उन फोटोज़ को अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइक्स और फॉलोइंग की काफ़ी ज़्यादा बारिश मिलेगी और आपकी जो प्रोफाइल है वो एक अलग लेवल से निखर जाएगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एड्रिनो टेक्निको, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे पब्लिक गलती कर रही है या फिर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि हमें कोई भी फोटोग्राफ लेनी होती है अर्जेंटली तो हम डायरेक्टली ओपन करते हैं हमारे कैमरा ऐप को और उसके बाद डायरेक्टली हम ले लेते हैं एक फोटो को और इसे कहते हैं हम ऑटो मोड। दोस्तों ऑटो मोड में एक्चुअली होता यह है कि हमारा जो कैमरा है वो अपने आप ISO और फिर टेम्परेचर, फोकस, सारी ही जितने चीज़ें होती है वो सब ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। कैमरा खुद डिसाइड करता है, उसका ISP, उसका सेंसर, सब कुछ खुद यहाँ पे तैयार करता है कि किस तरह उसको फोटो लेनी है। लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा कि ये सारे कंट्रोल आपके पास भी हो सकते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, आपके फ़ोन के अंदर एक्सपर्ट मोड या फिर प्रोफेशनल मोड या फिर मैनुअल मोड करके एक चीज़ होती है जिसकी मदद से आप फुल्ली फ्लैश मैनुअल मोड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और जितनी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों फोटोग्राफी के 3 बेसिक चीज़ें यहाँ पे या फिर एक 3-law triangle यहाँ पे आपको मैं सिखाना चाहूँगा। दोस्तों फोटोग्राफी वो बेस्ड है ISO, फोकस और शटर स्पीड के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे जो ISO है वो आपके फ़ोन के कैमरा के अंदर कितनी लाइटिंग जा रही है या फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कितनी लाइटिंग गिर रही है उसको यहाँ पे वो कंट्रोल करता है। इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि अगर आपका ISO जितना ज़्यादा होगा उतनी लाइटिंग उस फोटो के अंदर आएगी लेकिन उससे नॉइस लेवल उतने ही बढ़ जाएंगे। आपका ISO जितना कम होगा उतनी इमेज डार्कर आएगी लेकिन वहाँ पे उसके अंदर जो नॉइस लेवल होंगे वो काफ़ी कम होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड चीज़ आती है वो यहाँ पे फोकस। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कई सारे फोटोज चाहे वो हो गया iPhone या फिर कोई भी पोर्ट्रेट मोड वाला फ़ोन तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है और जो सब्जेक्ट, जो आदमी खड़ा होता है या फिर जो कोई चीज़ होती है वो फोकस के अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फोकस के ऊपर डिपेंड कर सकती है। अगर कोई सिंगल कैमरा वाला फ़ोन होगा उससे भी मैं पोर्ट्रेट मोड वाले शॉट्स ले सकता हूँ, उसके लिए बस मुझे एडजस्ट करना है फोकस को। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है एक्सपोजर या फिर शटर स्पीड। दोस्तों यहाँ पे जो शटर स्पीड है वो कितने समय के लिए आपका कैमरा का जो सेंसर है, तो मान लीजिए अगर आपका कैमरा का जो सेंसर है वो एक बॉक्स है तो आप उस बॉक्स के ढक्कन को कितनी देर के लिए खुला रखते हैं वो है शटर स्पीड। अगर आप शटर को 5 सेकंड के लिए खुला रखते हैं उसका मीनिंग कि आपका जो पिटारा है या फिर जो बॉक्स है वो 5 सेकंड के लिए ओपन है, उसके अंदर 5 सेकंड के लिए जो एम्बियंट लाइटिंग है या फिर जो भी लाइट है एनवायरमेंट की वो उसके अंदर जा रही है और उसके बाद शटर अपने आप बंद हो जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार वर्क करता है शटर स्पीड। जितनी देर आप शटर ओपन रखेंगे यानी कि जितने सेकंड शटर ओपन होगा, जितना वाइड शटर होगा उतनी ही लाइट आपके फोटो के अंदर आएगी और उतनी ही आपकी इमेज अच्छी तरह से आएगी। तो दोस्तों ये जो 3 का एक ऑप्टिमिस्टिक कॉम्बिनेशन है उससे आपको एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ मिलेगी। यहाँ पे कल मैंने कुछ फोटोग्राफ अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे ID आ रही है, आप वहाँ पे जाके मुझे देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाके ये फोटोग्राफ्स को भी चेक कर सकते हैं कि मैंने किस तरह उन फोटोग्राफ्स को लिया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरह अपने फोन के अंदर मैनुअल मोड को ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने फोन की कोई भी एप्लीकेशन में, यहाँ पे फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ ओप्पो की अपनी डिफॉल्ट फोन की जो एप्लीकेशन होती है वो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है एक्सपर्ट मोड के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपर्ट मोड फाइनली ऑन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा एक पैनल मिल रहा है, यहाँ पे आपको बीच में डंडी मिल रही है जो आपको लेवल दिखा रही है। तो ये जो आपका लेवल है, कितना फोन का लेवल है, कितना फोन टिल्ट हो रहा है, कौन से एंगल पे टिल्ट हो रहा है, वो सारी चीजें आपको इस लेवल से मालूम पड़ेगी। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये है हमारे फोन का ISO, इसकी रेंज है ऑटो 100-200 से लेके 1600। अलग अलग फोन के अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से इस ISO की लेवल अलग अलग हो सकती है। ज्यादा अच्छे फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो गए, चाहे वो हो गया OnePlus 6T या फिर Samsung Galaxy S9, तो उसके अंदर आपको मैनुअल मोड इससे भी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे ओप्पो का फोन इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल सा फोन है,
फिलहाल इसकी वैल्यू है वो फ्लिपकार्ट पे मैंने चेक की 9-10 हज़ार रुपए ही है। तो हमारे पास फिलहाल सबके पास ऐसा ही एक बजट स्मार्टफोन तो होगा ही, तो दोस्तों उसके अंदर भी आप ऐसे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ISO है, उसकी वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे इमेज थोड़ी सी ब्राइटर हो जाती है, उसको अगर मैं कम करता हूँ तो इमेज थोड़ी सी डार्कर हो जाती है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे आप शटर स्पीड यानी कि कितनी देर आपका शटर यहाँ पे ओपन रहेगा, और उसके अलावा यहाँ पे है एक्सपोजर यानी कि आपका इमेज है उसकी ब्राइटनेस यहाँ पे कितनी रहेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग कंडीशंस, चाहे वो हो फ्लोरोसेंट, क्लाउडी, शेडोज, ट्विल लाइट और इनकैंडेसेंट, और फाइनली ऑटो मोड। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे आप फोकस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर या फिर तितली, बटरफ्लाई या फिर क्लोजअप ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो हो आपकी कॉफ़ी का फोटो जो आप शाम को पीते हैं, या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको आपको सब्जेक्ट बनाना है और उसका बैकग्राउंड ब्लर रखना है जो काफ़ी पास है जनरली 30 सेंटीमीटर्स के अंदर, उसके लिए यहाँ पे आप इस फोकस का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं माइक्रो स्पर के अंदर घूमूंगा या फिर माइक्रो या फोटो के अंदर मैं चलाऊंगा तो उसके लिए जो क्लोजअप ऑब्जेक्ट्स है उनका फोटो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आएगा। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है चाहे वो हो गया माउंटेन वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इन्फिनिटी फोकस को यूज़ कर सकते हो। इन्फिनिटी फोकस मतलब वो काफ़ी दूर तक फोकस कर रहे हैं, चाहे वो दूर के पहाड़ हो गया या फिर वादियाँ हो गई या फिर क्लाउड्स हो गए, उनके लिए आप यहाँ पे इन्फिनिटी को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन करके आपको फाइनली एक इमेज सेट करनी है। ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है और इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इससे जो फाइनल आउटपुट आएगा वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा आएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप अपने स्मार्टफोन कैमरा से बहुत ही अच्छी फोटोज यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मैनुअल मोड को ट्राई करते हैं और अगर आप कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स ले पा रहे हैं या फिर अगर आपने ऑलरेडी कुछ फोटोग्राफ्स ली है, अपने इंस्टाग्राम ID पे पोस्ट किया है, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे टैग कर दीजिएगा @adreno_technico। दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी फोटो को जाके देखूंगा और हो सकेगा तो उस फोटो को मैं अपने पेज के ऊपर भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये था मेरी आज की इस वीडियो के लिए, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।